हिसार से बड़ी और अहम खबर, जहां पर आज कांग्रेस का किसान महासम्मेलन होना है। महासम्मेलन में नाना पटोले शिरकत करेंगे और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले। आपको बता दें, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल मान अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को न्योता भेजा जाएगा और कांग्रेस को एक मंच पर लाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, इस दौरान किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की भी कोशिश की जाएगी और आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हिसार के चौधरी रिजॉर्ट में महासम्मेलन होगा। कांग्रेस को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूरी तैयारी जो है सरकार को घेरने की होगी किसानों के मुद्दों को लेकर। हिसार में आज कांग्रेस का किसान महासम्मेलन रहेगा। आगे के आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी, किस तरीके से आगे बढ़ना है। और आज ये सम्मेलन जो है महासम्मेलन हिसार में होगा, कांग्रेस का किसान महासम्मेलन होगा, जहां पर कांग्रेस बात करेगी किसानों के मुद्दों को लेकर। नाना पटोले यहां पर शिरकत करेंगे, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, जो यहां पर शिरकत करने वाले हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल मान इसकी अध्यक्षता करेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है, वो भी यहां पर पहुंच सकते हैं। तो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता भी यहां पर मौजूद रह सकते हैं और कांग्रेस को एक मंच पर लाने की कोशिश है किसानों के जरिए, यानी कि किसानों के मुद्दों को उठाया जाएगा, सरकार को घेरा जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार से विकास बिश्नोई, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, आज ये महासम्मेलन होना है, किसान महासम्मेलन, जिसमें कांग्रेस जो है किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी, मतलब कि सीधे तौर पर दो तरफा निशाना कांग्रेस का यहां पर रहेगा। बिल्कुल चिन्हम, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के नाना पटोले, वो आ रहे हैं तो आप सोचिए कि इस सम्मेलन की अहमियत क्या है। दो मुख्य लक्ष्य लेकर चल रही है कांग्रेस। पहला ये है कि किसानों के मुद्दों को उठाया जाए, किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए, और दूसरा जो बिखरी पड़ी है कांग्रेस उसको एक मंच पर लाया जाए। दोनों मुद्दों की अगर अलग अलग बात करें तो किसानों के जो मुद्दे हैं वो अनिल मान उठाते रहते हैं और किसानों की हर एक समस्या को लेकर वो लगातार प्रशासन से मिलते हैं। उसी कड़ी में उन्होंने खुद एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित करवाया है, जिसमें नाना पटोले शामिल होंगे और अधिकतर संख्या में किसान ही इस सम्मेलन में आएंगे। यानी कि किसानों को समझाया जाएगा और लगातार आरोप भी लगाते रहे हैं अनिल मान की बात हो या फिर तमाम कांग्रेसी नेता की, किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, प्रलोभन देती है, ऐसी ऐसी नीतियां लागू कर रखी है जो वाकई में किसानों के हित में नहीं है। किसानों को बताया जाता है चाहे वो फसल बीमा योजना हो कि वो आपके हित में है, लेकिन उसको निजी कंपनियों को उससे लाभ होता है, ये आरोप अनिल मान लगातार लगाते रहे हैं। तो चाहे दूसरे तमाम मुद्दे हो तो वो मुद्दे आज यहाँ से उठाए जाएंगे और किसानों को समझाया जाएगा कि बीजेपी ने जो नीतियां लागू कर रखी है वो किस तरह आपके हित में नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ से सभी को न्योता भेजा गया है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला, अशोक तंवर, कुमारी सेलजा या फिर तमाम दूसरे जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं, उनको अगर उनमें से उम्मीद तो है कि कुछ शिरकत करेंगे, अगर शिरकत करते हैं तो ये शायद कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि बिखरा हुआ जो संगठन है उसको थोड़ी मजबूती मिलेगी। और नाना पटोले जो आ रहे हैं हिसार के अंदर तो वो शायद कांग्रेस के लिए बड़ी बात है और उनके सामने एक छवि ये भी बनेगी कि कांग्रेस के अंदर, हरियाणा कांग्रेस के अंदर कोई मतभेद नहीं है, एकजुटता है। और दूसरी बात ये है कि बड़े ही भव्य तरीके से इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, चौधरी रिजॉर्ट में ये आयोजन करवाया गया है शिनम, और बड़े अच्छे तरीके से इसको करवाया जा रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं की गई है ताकि यहाँ जो लोग आए उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। करीबन कितने किसान पहुंच सकते हैं आज यहाँ पर, क्या उम्मीद जताई जा रही है?
देखिए, जो दावा किया जा रहा है वो तो हजारों की संख्या में किया जा रहा है कि कई हजार किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, और जो व्यवस्था की गई है वो भी हजारों के हिसाब से की गई है शीनम। लेकिन पीछे जो इस तरह के आयोजन हिसार में हुए थे और खासकर अनिल मान ने करवाए थे, उसमें अच्छी खासी भीड़ आई थी, तो उम्मीद यही है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और दूसरी बात किसानों का सम्मेलन है, और वैसे भी अब ज्यादा काम का वक्त नहीं है, बारिश हो रही है तो किसान भी फ्री है, तो ऐसे में उम्मीद है कि अच्छी खासी संख्या में किसान यहाँ पर आएंगे और अनिल मान और कांग्रेस और नाना पटोले को समर्थन देंगे। आज का ये आंदोलन ये तय करेगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या है, कितना दम कांग्रेस में है। अगर अच्छी खासी भीड़ यहाँ से जुटाने में कामयाब होते हैं बिल्कुल विकास, तो हर बार जो है किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की जाती है और हर बार चुनावों से पहले ये एक मुद्दा रहता है बड़ा, जो गरमाया रहता है, जो हावी रहता है। ऐसे में क्या मुद्दे रह सकते हैं जिन मुद्दों को आज प्रमुखता से उठाया जाएगा? देखिए, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही गई है, 2019 चल रहा है, ऐसे में सरकार के पास करीब करीब 2.5 साल 3 साल का वक्त बचा है, तो कांग्रेसी नेता सीधा सीधा ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा हालात हैं, जो मुद्दे उठेंगे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये उठेगा फसल बीमा योजना का कि वो किसानों के लिए कितना लाभकारी है और नहीं है तो क्यों नहीं है। दूसरा मुद्दा जो उठने वाला है वो है किसानों की जो फसल है उसको उतना समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, तो इसको भी जोरों शोरों से उठाया जाएगा। तीसरा फसल खरीद को लेकर उठाया जाएगा कि सरकार ने कुछ मापदंड तय किए हैं कि एक किसान से कितनी फसल खरीदी जाती है सरकारी रेट पर, और उसके बाद किसानों की फसल खराब रहती है मंडी में, बड़ी बड़ी फसलें खराब हो जाती है, कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फसल बीमा योजना है, बीमा हो जाता है उसके बाद अता पता नहीं रहता है, ये हकीकत है, ये जमीनी हकीकत है। बिल्कुल, कई परियोजनाएं ऐसी है जिन्हें जमीनी स्तर पर काम जिन पर नहीं किया गया है, और इन मुद्दों को आज कांग्रेस उठाएगी, पूरी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास प्रश्नोई, तमाम जानकारी देने के लिए।